जो है स्पाइसी मेथी पनीर पकौड़ा। जो मैं स्पाइसी मेथी पनीर पकौड़ा है उनका उनका जो इंग्रेडिएंट्स रहता है, जो सामग्री रहती है, उसमें है मेथी है, धनिया और हरा धनिया और पार्सले जो आते हैं ग्रीन पार्सले उसके, ये मैंने बारीक कट करके रख दिया है। मेथी को भी अभी हरा मेथी आता है उसको भी मैंने बारीक कट कर लिया। फिर वो स्प्रिंग ऑनियन है उसको भी मैंने चॉप करके रख दिया है। ये अपना स्प्रिंग ऑनियन है और ये मैंने चिली और गार्लिक का जो मैंने ये अचकचरा जैसे बोलते ना वैसे मैंने उसका ये पेस्ट बनाया है, उसको एकदम से बारीक क्रश नहीं किया है, थोड़ा सा ऐसे रखा है मैंने। और उसका दूसरा और उसके लिए जो पकोड़ा बनाने के लिए हम लोगों को मेन इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है मेन में सामग्री में मेरा एक चिक पीस फ्लोर मतलब वो बेसन का आटा है और ए राइस राइस पाउडर है। ओ पेरी पेरी मस जो चिली स्प्रेड्स रहता है ना जो वो मैंने लिया है पेरी पेरी मसाला और ए मैंने सीसम सीड मतलब वो तिल व्हाइट रोस्टेड तिल लिए और ए कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने जो पनीर को मैंने मैरिनेट करने के लिए लिया है और ए मैंने पनीर लिया है 250 ग्राम जितना मैंने पनीर लिया है ऐसे क्यूब में आता है वो लिया है मैंने। तो हम लोग सबसे पहले ये पनीर को मैरिनेट करेंगे। जो अपना पनीर लिया है ना उसको हम लोग सबसे पहले मैरिनेट करके फिर बाद में हम लोग वो पकौड़े के लिए रेडी करेंगे। अभी हम लोगों को पनीर को मैरिनेट करने के लिए मैं उसमें पहले ए चिली और गार्लिक का पेस्ट है उसमें एक स्पून जितना डालूंगी, वन स्पून में उसमें चिली और गार्लिक का पेस्ट डालने वाली हूँ जो मैंने वो बारीक क्रश नहीं किया है, थोड़ा मोटा रखा है उसको। अभी फिर मैं उसमें जो अपना चिली फ्लेक्स रहता है जो जिसको अभी पेरी पेरी मसाला भी बोलते हैं वो लोग उसको हम लोग मैंने एक घर पे वो जो ड्राई चिली रहता है उसको ऐसे क्रश करके बनाया है वो मैं इसमें डालने वाली हूँ जिससे स्पाइसी नेस आए अपना। और एक फिर मैं रोस्टेड तिल है उसमें वो मिक्स करने वाली हूँ, आप देख रहे हो वो मैंने 1 टेबल स्पून डाला है और ये क्रिस्पीनेस के लिए मैं राइस फ्लोर है वो डाल रही हूँ 1 स्पून जितना अपना स्पाइसीनेस आए उसमें अच्छा से और क्रंची बने। और फिर मैं एक कॉर्न फ्लोर मिक्स करूंगी जिससे बहुत ही अच्छा क्रिस्पी ये पनीर पकौड़ा बनेंगे। फिर अपना मैं जो अपने सब स्पाइसेस रहते हैं पूरा वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी। ये मैंने जो गरम मसाला रहता है स्पाइरन का वो मैं ले रही हूँ वो मैंने 1 स्पून डाला है, 1 टीस्पून जितना डाला है मेरी स्पून छोटी वाली स्पून है। फिर है कोरिएंडर पाउडर जिसको धनिया पाउडर बोलते हैं और फिर ये अपना जो पिंक सॉल्ट रहता है सिंधा नमक वो इसमें थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ और ये रेड चिली पाउडर थोड़ा सा हल्का सा उसमें मैं वो करूंगी जिससे हमारा स्पाइसीनेस अच्छा आए। और दूसरा मैंने एक गार्लिक और
और जिंजर का मैंने पेस्ट बना के रखा है, चिली पेस्ट बनाया है, उसमें भी मैंने पेरी पेरी में जो रेड चिली आता है ना पाउडर, वो मिक्स करके मैंने बनाया है। तो आप, मैं इसमें एक थोड़ा डालूंगी तो स्पाइसीनेस अच्छा आता है इससे। फिर बाद में इस सब को अच्छी तरह से हम लोग ऐसे मिक्स करेंगे। हम लोगों को मैरिनेट करना है इसको पनीर में। अच्छा सा इसे मिक्स हो जाने के बाद मैं थोड़ा सा ऐसे इसको हम लोगों को, आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे लगता है कि भाई पनीर में इसे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर सकते हो, या आपको कड़ भी मिक्स करना है तो कड़ कर सकते हो। मैं इसमें थोड़ा हल्का सा जैसे 1 स्पून जितना वाटर यूज करूंगी, जिससे अच्छा सा पनीर में अपना ये स्पाइसी मसाला सब मिक्स हो जाए। ये अच्छा सा मिक्स हो जाने के बाद पनीर पकौड़ा में स्पाइसीनेस बहुत ही अच्छा आएगा। और ये ऑर्गेनाइज पनीर लिया है मैंने, तो उसका अरोमा भी अच्छा आएगा। आपको इसमें फिर कलर ऐड करना है तो आप वो जो कलर आता है हम लोग जो गोभी 65 में यूज कर करते हैं वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसमें कलर यूज नहीं करने वाली हूँ। आप टर्मरिक पाउडर भी इसमें डाल सकते हो, आपको डालना है तो। हम जब तक ये अपना पनीर अच्छे से इसमें मैरिनेट होता है, तब तक ये मसाला मैरिनेट होता है, तब तक हम लोग इसमें अपना ये बेसन का घोल भी बना देंगे। आपको और थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा और भी चिली पेस्ट डाल सकते हो। हमारे घर में सबको ये ज्यादा स्पाइसी पसंद है, तो मैं थोड़ा और डाल रही हूँ इसमें। स्पाइसीनेस बहुत अच्छा आता है पनीर का पकोड़ा में। अभी मैं इसको थोड़ी देर ऐसे रखूंगी। ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया है पनीर को पूरा, तब तक हम लोग अपना बेसन का घोल बना लेंगे। अभी मैं बेसन का घोल बनाने के लिए जो हम लोगों का जो मेथी स्पाइसी मेथी पनीर पकौड़ा है उसका जो हम लोग ऐसे जब बोलते हैं हम लोग घोल भी बोलते हैं, और मेथी का ऐसे जो पकौड़ा का खीरा रहता है ना वैसे, मैं अभी बनाने के लिए मैं बेसन, ये मैंने गाय छाप बेसन लिया है। मैं 1 बाउल जितना, मतलब 250 ग्राम जितना लूंगी। मैंने 250 ग्राम कितना बेसन का घोल लिया है वो बनाने के लिए ले रही हूँ मैं। एक घोल में मैंने बारीक कट किया हुआ मेथी डाल रही हूँ मैं इसमें। मैंने 4-5 स्पून जितना बारीक कट किया हुआ मेथी डाली है इसमें। फिर मैं इसमें एक कोरिएंडर और पार्सले लीव्स जो है वो डाल रही हूँ, वो भी मैंने क्रश किया था। फिर मैं इसमें स्प्रिंग ऑनियन डाल रही हूँ, जिसमें मैंने स्प्रिंग ऑनियन के हरे पत्ते का जो पार्ट है वो ही लिया है,
वो डाल रही हूँ मैं इसमें, मैंने व्हाइट पार्ट नहीं लिया है इसमें, वो दो तीन स्पून डाल रही हूँ। जो जैन लोग है वो जो गार्लिक और ऑनियन नहीं खाते वो इसको स्किप कर सकते हैं। फिर मैं इसमें वन स्पून जितना मैं चिली और गार्लिक का पेस्ट जो मैंने पहले भी पनीर में डाला है वही सेम इसमें वो जो बेसन का घोल बना रही हूँ पकौड़ा बनाने के लिए उसमें मैं 1 स्पून जितना डाल रही हूँ। आप जो नहीं खाते वो इसको स्किप कर दो। मैं ये 1 स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ और फिर ये चिली पाउडर इसमें ऐड करूंगी और ये गरम मसाला जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ इसमें और थोड़ा सा ये टर्मरिक जो हल्दी पाउडर रहता है वो डाल रही हूँ उसमें और ये मैं सिंधा नमक यूज कर रही हूँ। आप सिंधा नमक की जगह पे नॉर्मल आयोडीन नमक भी यूज कर सकते हो। ये मैंने सिंधा नमक अपने टेस्ट के हिसाब से क्योंकि हम लोगों ने पनीर में भी थोड़ा सा ऐड किया है तो हम लोगों को और संभाल के डालना है उसमें नमक। फिर मैं एक कोरिएंडर पाउडर इसमें 1 स्पून ऐड करूंगी। और अभी एक घोल के लिए मैं उसमें जितना हम लोगों को रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से मैं इसमें वाटर ऐड करते जाऊंगी। हम लोगों को ये ज्यादा पतला भी नहीं करना है और थोड़ा सा घट भी नहीं करना है, मतलब जैसे हम मेथी पकौड़े का जो खीरा बनाते हैं ना वैसे ही बनाना है, लेकिन उसमें हम लोगों को जो थोड़ा सा हल्का सा ऐसे मोटा जैसे थोड़ा सा रखना है, घट रखना है, पतला ज्यादा पतला भी नहीं कर देना है कि हमें मेथी पनीर स्पाइसी मेथी पनीर पकौड़ा बना रहे हैं। तो हम लोग जैसे मेथी के जो गुजरात में जैसे मेथी के गोटे बनाते हैं ना वैसे ही सेम इसका घोल बनाना है हम लोगों को। आप उसमें स्वीटनेस भी डाल सकते हो। और लेमन भी यूज कर सकते हो आप। अभी थोड़ा सा ज्यादा घटे तो थोड़ा वाटर वो ऐड करूंगी मैं इसमें। ये अपना घोल रेडी हो तब तक मैं गैस चालू कर दूंगी तो अपना घोल भी गर्म हो जाए। जब भी हम लोग कोई भी पकौड़ा ऐसे कुछ भी तलने के लिए हम लोगों को इसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। आपको मैंने इसमें सोडा यूज नहीं किया है क्योंकि पनीर ऐसे भी सॉफ्ट रहता है तो मैंने 1 स्पून जितना उसमें ऑयल डाल रही हूँ। तो अच्छे से उसका सॉफ्टनेस भी अच्छी आएगी विदाउट तो उसमें जो खाने का सोडा डाले हुए हम लोग उसको अच्छा से सॉफ्ट भी बनते हैं और पकोड़े भी अच्छे लगते हैं हम लोगों को क्योंकि मैं सोडा कब ज्यादा यूज नहीं करती हूँ। अभी हम लोगों को ऐसा घोल बनाना है। आप देख रहे हो अपना ये घोल रेडी हो गए। इसमें हम लोग थोड़ा सा क्रंचीनेस के लिए हम लोग थोड़ा तिल ऐड करूंगे इसमें
अभी मैं इसमें और एक 1 स्पून जितना ये मैं बेसन के जो मेथी का खोल बनाया उसमें भी मैं तिल कर रही हूँ। आपको पसंद नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हो। ये अपना घोल भी बन के रेडी हो गया है। तब तक अपना ऑयल भी गर्म हो जाएगा। अभी अपना ये मैंने वो थोड़ा सा ऐसे डाल के देख लिया, अभी अपना ऑयल रेडी हो गया है। तो हम लोग अभी पकौड़ा पकौड़ा बनाने के लिए स्पाइसी मेथी पनीर पकौड़ा बनाने के लिए अपना ऑयल ठीक हो गया है। अभी जो मैंने आप ये भी देख रहे हो ये अच्छा सा मैरिनेट हो गया है सब मसाला पनीर में। तो अभी मैं इसको ऐसे ये 1 क्यूब पनीर का ऐसे लेके उसको ये जो अपना जो आटा का घोल बनाया है मेथी का उसमें मैं ऐसे वो डिप करके इसको सेलो फ्राई करूंगी। अब जब नॉर्मल जो अपना पकोड़ा बनाते ना वैसे ही उसको हम लोग जो आलू का बनाते आलू वड़ा बनाते वैसे ही इसका ऐसे बना पनीर का हम लोग पकोड़ा बनाएंगे। आप सोडा यूज करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे भी पनीर सॉफ्ट रहता है तो फिर ज्यादा थोड़ा यूज करना कोई नहीं है। तो हल्का सा ब्राउन होने देना है। इसमें क्रंचीनेस और क्रिस्पीनेस बहुत ही अच्छा आएगा। हम लोगों को उसको भी करना है इसमें। ये अभी आप देख रहे हो अच्छे से ये ब्राउन हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन बनाना है उसको। ये अभी ऐसे देखो गोल्डन ब्राउन बन के रेडी हो गए हैं अपने पनीर के मेथी स्पाइसी पनीर पकोड़े। इजी है इसको बनाना भी और अलग भी लगेगा। हर बार आप मेथी के पकोड़े खाते होंगे जो, लेकिन ये पनीर व मेथी के पकोड़े बनाएंगे तो थोड़ा अलग भी दिखेगा। कोई गेस्ट आता है तो भी उसको भी मजा आएगा खाने में।
आप उसमें भी एक विदाउट ऑयल फ्राई किया हुआ आप उसमें बेक करके बना सकते हो। तो मैं आपको वो भी अपनी एक दिखाऊंगी रेसिपी के विदाउट ऑयल फ्राई किए बिना भी पकोड़े कितने अच्छे से बनते हो। स्पाइसी मेथी पनीर पकौड़ा बनके रेडी हो गया है। अभी मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट करने लग दिया था। तो अभी मैं इसमें ऐसे फॉइल पेपर रख के, क्योंकि इसमें मेरा नेट वाला है, आपको नेट नहीं है तो आप डायरेक्ट भी ऐसे पकौड़े रख सकते हो। तो मैं इसमें ये नेट वाला है तो फॉइल पेपर रख के उसमें, और ये हाँ पनीर पकौड़ा का जो है रोल उसमें डिप करके ऐसे रखूंगी। जो आप उसको विदाउट ऑयल फायर फ्राई किया भी आप इसको खा सकते हो। तो ये आपका एकदम से हेल्दी हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। आपको ऐसे ऐसे उसको अलग अलग ऐसे रख देना है। बेसन का घोल है, इसमें आप थोड़ा सा ये ज्यादा पतला भी नहीं हो रहा, इसे थोड़ा सा घट भी घोल रखेंगे तो भी चलेगा। और ऐसे ड्राई मैरिनेट किया हुआ भी आपको पनीर, आप क्रिस्पी पनीर भी ऐसे उसमें तंदूरी जैसे पनीर बनता है ना वैसे बन जाएगा आपका ना, उसमें ऐसे कर सकते हैं। आपको मैं ये दूसरी ट्रिक्स भी मैंने बता दी है आपको कि आप विदाउट ऑयल फ्राई किया हुआ, ऑयल में डीप फ्राई किया हुआ आप एयर फ्रायर में भी आप ऐसे बना सकते हो पकौड़े। आप ये देख रहे हो मैंने ऐसे ऐसे सेपरेट सेपरेट जगह पे तो रख दिया है। और अभी इसको मैं 10 से 15 मिनट तक उसमें उसको बेक करूंगी। और आपका ये हमारा ये स्पाइसी पनीर पकौड़ा बन के रेडी हो जाएगा एयर फ्रायर में। तो ये एक डिफरेंट स्टाइल से मैंने आपको दिखा रही हूँ ये। अभी आप देख रहे हो 5 मिनट हुई है मैं ऐसे इसमें रखा था, तो आप देख रहे हो ऐसे थोड़ा सा उसमें क्रिस्पीनेस आया है। अभी थोड़े 10 मिनट और रखना है, क्योंकि 10 से 15 मिनट तक ये अभी थोड़ा लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है। तो हम लोगों को जब तक ये सब पूरा सा ड्राई नहीं हो जाए और क्रिस्पीनेस नहीं आ जाए तब तक उसको हम लोगों को बेक करना है। ऐसी मेथी पनीर पकौड़ा की रेसिपी जो रेडी हो गई है, जो मैंने आप लोगों के को शेयर किया है मेरी अपनी इनोवेटिव रेसिपी, आप लोगों को पसंद आए तो मेरी रेसिपी को लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।